वेलकम टू नागवंशी ट्यूटोरियल। आज हम लोग स्टडी करेंगे एक टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लेना के बारे में। अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर में ये जूलॉजी का पहला टॉपिक आता है लोअर इनवर्टिब्रेट। सबसे पहले यूग्लेना के बारे में हम लोग जानेंगे तो यूग्लेना के ऊपर कई सारी लेयर्स मौजूद होती है। बात करते हैं सबसे आउटर लेयर की, तो सबसे आउटर लेयर होता है इसका पेलिकल। ये पेलिकल का काम होता है कि ये क्या करता है, यूग्लेना को आउटर प्रोटेक्शन देने में मदद करता है, यानी एक तरह का आउटर प्रोटेक्टिंग वॉल होता है यूग्लेना का, जस्ट एज स्किन जो हमारे ह्यूमंस में या फिर कह सकते हैं मोस्टली एनिमल में प्रेजेंट होता है। और अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक ग्रीन कलर का डॉटेड स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकोसिस्ट। इसी ट्राइकोसिस्ट और पेलिकल के बीच में एक तरह का फ्लूइड भरा होता है, ये देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ रेड कलर से इंडिकेशन किया है, एक फ्लूइड भरा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। और अगर हम लोग इस लेयर के अंदर यानी ट्राइकोसिस्ट के अंदर जाते हैं तो आपको दूसरी लेयर दिखेगी और वो क्या है आपका एंडोप्लाज्म। ये एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म मिलकर क्या बनाते हैं साइटोप्लाज्म। इससे हमें ये पता चलता है कि यूग्लेना दो तरीके का साइटोप्लाज्म कंटेन करता है, पहला जो इसके बाहरी वॉल में मौजूद होता है इसको हम एक्टोप्लाज्म बोलेंगे, और दूसरा जो इसके इनर वॉल में मौजूद होता है इसको एंडोप्लाज्म बोला जाता है। आइए अब हम लोग और अंदर यूग्लेना के चलते हैं और इसके टिपिकल बेस स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये एक व्यू करके शेप बनी हुई है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं रिजर्वायर। ये रिजर्वायर वो जगह होती है जहाँ पे यूग्लेना वाटर डिस्पर्सल में हेल्प करता है, या फिर सिंपल में कहें तो वाटर को बाहर निकालने में मदद करता है ये रिजर्वायर। अब इसके ऊपर देखेंगे तो आपको ऐसे एक राउंडेड स्ट्रक्चर मिलेगा, इस राउंडेड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह रहे हैं साइटोक्रोम। ये जिस तरह से हम लोग का माउथ होता है ये यूग्लेना का माउथ होता है जहाँ से वाटर और बाकी मटेरियल बाहर डिस्पर्स होते हैं। अब यहाँ पे कुछ और टिपिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यूग्लेना की साइड में अगर हम यहाँ देखेंगे तो एक तरह का पार्ट मौजूद है, इस पार्ट का नाम है स्टिग्मा। यहाँ पे आप फोकस करिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टिग्मा। ये स्टिग्मा होता है यूग्लेना का फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन, इट इज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन ऑफ यूग्लेना। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन से मेरा कहना है मतलब है कि यही वो पोर्शन होता है जो यूग्लेना को कनेक्टिंग लिंक बनाता है प्लांट और एनिमल में, क्योंकि यूग्लेना वो ऑर्गेनिज्म होता है जो यूग्लेना वो ऑर्गेनिज्म होता है जो ऑटोट्रॉफिक मोड भी शो कर सकता है और हेटरोट्रॉफिक मोड भी शो कर सकता है, और ऑटोट्रॉफिक मोड यानी फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसको इसी ऑर्गेनल की जरूरत पड़ती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टिग्मा। और इसके बेस स्ट्रक्चर को जानेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो डॉट जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं बेसल ग्रैन्यूल्स। इन बेसल ग्रैन्यूल्स का काम ये होता है कि ये ओरिजिनेशन करवाते हैं फ्लैजिला। अब हर एक यूग्लेना के अंदर दो बेसल ग्रैन्यूल मौजूद होते हैं, पहले वाले को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट बेसल ग्रैन्यूल जिनके पास शॉर्ट फ्लैजिला होता है, और पहला वाला होता है आपका लार्ज बेसल ग्रैन्यूल जिसके ऊपर से लार्ज फ्लैजिला का ओरिजिनेशन होता है। अगर आप एक बेसल ग्रैन्यूल के अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ पे फ्लैजिनिन प्रोटीन मिलेगा, इस फ्लैजिनिन प्रोटीन का काम ये होता है कि यूग्लेना का आगे की तरफ ओरिजिनेशन कराता है फ्लैजिला। अब फ्लैजिला का ओरिजिनेशन कराने के दौरान जिसके अंदर ये फ्लैजिनिन प्रोटीन कम सिक्रेट हुआ वो फ्लैजिला ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाया, और आप देख सकते हैं कि ये जो शॉर्ट वाला है उसके अंदर फ्लैजिनिन प्रोटीन ठीक अमाउंट में सिक्रेट नहीं हुआ है, और इसीलिए ये फ्लैजिला रिजर्वायर के अंदर ही रुक गया। लेकिन जो दूसरा वाला बेसल ग्रैन्यूल है इसके अंदर फ्लैजिनिन प्रोटीन अच्छी तरह से सिक्रेट हुआ है, और इसीलिए इसका पूरा फ्लैजिला बाहर की तरफ एक्सटेंड हुआ है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा फ्लैजिला के बारे में, तो फ्लैजिला क्या होता है, मेनली लोकोमोशन में मदद करता है जिन भी ऑर्गेन्स के अंदर प्रेजेंट, या फिर सॉरी जिन भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रेजेंट होता है। सिंपली में हम लोग देखते हैं तो जो प्रोटोजोअन मेंबर के फैमिली होते हैं उनके अंदर आपको ये फ्लैजिला मेनली मिलेगा। अब इस फ्लैजिला के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखते हैं ढेर सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मैस्टिगोनीम्स। इन मैस्टिगोनीम्स का काम क्या होता है, ये मैस्टिगोनीम्स फूड पार्टिकल्स को फ्लैजिला लोकोमोशन यानी जब यूग्लेना मूवमेंट करता है तो माउथ की तरफ लाने में मदद करता है। आइए अब अंदर की तरफ दोबारा आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे एक दूसरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यूग्लेना के अंदर प्रेजेंट होता है, पहला होता है एंटीरियर और दूसरा होता है पोस्टीरियर। नाम से ही पता चल रहा है कि जो ऊपर की तरफ रहेगा वो कौन सा होगा, एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल फॉर्मेशन करते हैं तो इसको बोलते हैं लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब मैं आपको इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का सिंबल कर सकता हूं, देखिए सबसे पहली बात कि यूग्लेना वाटर के अंदर पाया जाने वाला एक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये वाटर के अंदर
अंदर पाया जा रहा है, इसीलिए इसके अंदर लगातार पानी के बॉडी के अंदर सिक्रेशन हो रहा है। इसकी बॉडी ज्यादा पानी होने की वजह से ना फटे, इसीलिए क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मेन फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन, क्या करना, ऑस्मो रेगुलेशन। ये ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन, यानी शरीर से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे अगर मानिए यूग्लिना के बॉडी के अंदर यहाँ पे पानी जमा हुआ, तो सबसे पहले यहाँ पे छोटे छोटे ड्रॉप में क्या होगा, वो पानी इकट्ठा होगा और फिर वो एक बड़े ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। यही आप लोग दोनों जगह पे ये केस देख, थोड़े समय बाद क्या होगा कि यही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आके इस रिजर्वायर से जुड़ जाएगा। मैंने आपके जुड़ने वाली कंडीशन दिखाई है और फिर जाके ये अंत में क्या होगा, इस रिजर्वायर के अंदर ही अपने सारे वाटर को रिलीज कर देगा। जैसे कि इसे देखिए, यहाँ पे इसने अपने वाटर को रिलीज किया और ये वाटर क्या होगा, इस साइटोक्रोम यानी जिसको हम कह रहे थे यूग्लिना का माउथ, इस साइटोक्रोम वाले एरिया से क्या हो रहा है कि ये बाहर की तरफ निकल जाता है। और दूसरे अगर हम लोग टिपिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो मेनली हैंगिंग होता है, हैंगिंग यानी लटकता रहता है, जैसे एक पेंडुलम झूलता रहता है उसी तरह इनका न्यूक्लियस भी क्या होता है, झूलता रहता है। और जिस स्टिंगिंग रे या फिर कह सकते हैं जिस धागे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं राइजोब्लास्ट। और अब आप लोग जानते हैं कि राइजोब्लास्ट से क्या जुड़ा रहेगा, न्यूक्लियस, और ये है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, एकदम पेंडुलम की तरह है, जिस तरह पेंडुलम ऐसे ऐसे कोई अपनी फिक्स लोकेशन नहीं होती, जिस तरह ये भी क्या करता है, मूवमेंट करता रहता है लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकता। और ज़्यादा मूवमेंट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आप देखेंगे इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी मौजूद है। और साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन अगर देखा जाए तो इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस, यानी कि ये डेंस होता है। और अगर ये डेंस है तो ये न्यूक्लियस की ज़्यादा मूवमेंट को अलाउ नहीं करेगा, लेकिन न्यूक्लियस तब भी हम लोग देखते हैं यूग्लिना के अंदर थोड़ा बहुत मूव करता है। अब बाकी अगर हम लोग पार्ट्स को देखेंगे तो यहाँ पे मौजूद है क्लोरोप्लास्ट। अब आप जानते हैं कि यूग्लिना फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होगा। इसके अलावा अब हम लोग देखेंगे कि जो यूग्लिना है वो दो तरह का मोड दिखाता है और इसीलिए इनको हम लोग एक स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले। कौन से न्यूट्रिशन वाले, मिक्सोट्रॉफिक। जो और तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं उनके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक, जिसमें खाना खुद बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक सनलाइट वाटर। और दूसरा वाला होता है हेटरोट्रॉफिक, जिसमें क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉफ। और इन हेटरोट्रॉफ के अंदर आपके आ जाते हैं सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एक्सेट्रा। लेकिन जो मिक्सोट्रॉफिक वाले होते हैं वो दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, यानी कि ये ऑटोट्रॉफिक मोड भी दिखाएगा और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड जो होता है वो मेनली जो मीना दिन के समय दिखाता है, क्योंकि दिन के समय सनलाइट प्रेजेंट रहती है और रात के समय इसका मोड चेंज होकर हेटरोट्रॉफिक हो जाता है। जब ये हेटरोट्रॉफिक मोड में आता है तो उस समय ये मेनली डेड और डिकेइंग लीव्स को खाना पसंद करते हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे तो ये जो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर रहा है, इस मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के दौरान इसने जो फूड बनाया वो फूड क्या हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट की मदद से बनाया जा रहा है और एक्सेसिव फूड को स्टोर कर दिया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में कह सकते हैं पायरेनॉइड बॉडीज, यानी कि पायरेनॉइड बॉडीज के फॉर्म में क्या किया जाता है कि इस रिजर्व फूड मटेरियल को यूग्लिना के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। अब हम लोग एक लास्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि इस तरह से बैंड है, ये देखें ये बैंड है, ये बैंड्स होते हैं, इन बैंड्स को हम लोग बोलते हैं मायोनीम्स। ये मायोनीम्स काम क्या करते हैं कि जब हम आपको बढ़ाएंगे यूग्लेनॉइड लोकोमोशन यानी यूग्लेनॉइड मूवमेंट, जिसमें यूग्लिना श्रिंक होकर मूव करता है, यानी कि यूग्लिना से श्रिंक करा फिर मूव किया, श्रिंक किया फिर मूव किया, तो इस श्रिंकिंग मूवमेंट में यूग्लिना की बॉडी को दबाने के लिए, जैसे हम लोग एक स्पॉन्ज को दबाते हैं, यूग्लिना की बॉडी को दबाने के लिए क्या होता है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मायोनीम्स का इस्तेमाल यूज होता है। ये यूग्लिना की बॉडी को पुश करता है जिससे क्या होता है कि वो आगे की तरफ मूवमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाकी का हम लोग पढ़ेंगे अगले।